हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज गाइस मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो हमारी रिवीजन सीरीज की लेकर। यार मैंने कमेंट्री टैब पर डाला था कि यार आज सुबह वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो, रीजन आप थोड़ा सा देख ही सकते हो यार। तो स्टूडियो वॉज नॉट फ्री, सो ये वीडियो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो रजत भैया बर्थडे स्पेशल रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी हमारे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा डेकोरेशन हुआ हुआ है, तो इसलिए यार सुबह वीडियो नहीं आ पाया। बट डोंट वरी, पढ़ाई नहीं रुकेगी बिल्कुल भी यार, बर्थडे अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है। सो आज मंडे से कंटिन्यू करने की सीरीज, कल संडे हमारा लीव था, ठीक है। तो आज की वीडियो आज ही आएगी, चाहे थोड़ी रात को आई कोई बात नहीं, पढ़ाई अभी करो, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हमारी रिविजन सीरीज में। लगभग हम 5 वीडियोज देख चुके थे गाइज, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं आज 6th वाली, ठीक है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें खत्म करें और बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज करें। तो चलिए गाइज, अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, और सब लोग लाइक ठोककर नीचे कॉमेंट में बताना कि वाला वीडियो भी कैसा लगा। लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहली चीज जो हम लोगों को रिवाइज करनी है यार, वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये वीडियो पूरा डेडिकेट रहेगा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस उन पर, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे डिटर्मिनेंट में भी हम लोग यूज करेंगे, और मैट्रिसेस से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, फटाफट रिवाइज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स है कोई 2x3 की, मान लेते हैं 1 2 3 0 0 0, ठीक है। एंड कोई बी मैट्रिक्स है वो 3x2 की, मान लेते हैं 2 1 1 1 1 एंड 1, कुछ इस तरह से आपको दो मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि यार मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ठीक है। तो मान लीजिए हमें निकालना है प्रोडक्ट ए बी, तो प्रोडक्ट ए बी कैसे निकालते थे, बेसिकली हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते थे गाइज, मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, रोज इंटू कॉलम्स। ऑर्डर में कुछ शॉर्टकट बताया था रोज इंटू कॉलम्स याद रखने का, कि आर सी कैसे याद रखें। जिन बच्चों को याद आ गया और जिन्होंने वीडियो देखी है यार, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि क्या शॉर्टकट बताया था आर सी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो आर सी याद रखना भैया, आर सी जरूरी है जिंदगी के लिए, तभी बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। तो ठीक है चलो, वो शॉर्टकट याद रखोगे तो ये भी याद रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, रोज इंटू कॉलम। बेसिकली सबसे पहले प्रोसीजर समझाता हूँ, क्या प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, एक एक करके रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। कैसे, देखो फर्स्ट रो ये है, सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि इस रो को मैं पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक एलिमेंट बनेगा, और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये दूसरा एलिमेंट बनेगा। थोड़ा सा टिपिकल है तो यार थोड़ा टाइम लगाकर बताऊंगा, रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये 2x3 है और ये 3x2 है, तो बेसिकली जो हमारी मैट्रिक्स आने वाली है वो 2x2 के आने वाली है। भैया को कैसे पता लगा वो भी भैया भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तुम समझो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज इंटू कॉलम्स, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आपकी बॉटल है, ठीक है, ये क्या आपकी कोई बॉटल है और ये कॉलम्स आपके ग्लासेस हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली बॉटल को ग्लास में पोर करना है, बॉटल इंटू ग्लास, बॉटल इंटू ग्लास। अब भाई ग्लास तो सारे भरने पड़ेंगे, खाली ग्लास तो छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बॉटल ली ग्लास में पानी, बॉटल ली ग्लास में पानी, ओनली वाटर, ठीक है, वाटर वाटर वाटर, ठीक है, गलत मत ले लेना तुम लोग, पानी डालना, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, रोज इंटू कॉलम्स, बॉटल इंटू पानी। तो देखो पहला एलिमेंट, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 into 2, रो के पहले एलिमेंट को रो के कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ 1 into 2, बीच में हर जगह प्लस साइन आएगा गाइस, प्लस 2 into 1, प्लस 2 into 1, प्लस 3 into 1, समझ आया आपको। क्या करा मैंने, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, और रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और बीच में एडिशन, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, आप रो वाइज करोगे हमेशा, और जब तक कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप आगे 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 ग्लास भरते जाओगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया पहला एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ गए। अब देखो आप एक चीज देखो, आप यहां से यहां बढ़े, यानी कि आप ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े हो तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है ना। इसका मतलब जो हमारे सेकंड आंसर आएगा, जो सेकंड वैल्यू आएगी वो भी आगे ही बढ़ के आएगी, यानी कि ये तो हो गया A11, अब जो आएगा वो यहां पर आएगा। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट कैसे होगा, अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 into 1, 1 into 1, बीच में प्लस, प्लस 2 into 1, प्लस 2 into 1, प्लस 3 into 1, समझ गए ना आप। ऐसे ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते चलो और ऐड करते चलो, प्लस 3 into 1,
दिस। चलो जी, फर्स्ट रो से सारे कॉलम्स को भर दिया भाई, सारे ग्लास भर दिए। अब आ गई दूसरी बोतल, अब हमें इस बोतल से भरना है ग्लासेस को। सेकंड रो उठा ली, सेकंड रो कहां से उठाई, नीचे से उठाई, तो भाई हम भी नीचे आ गए। समझ रहे हो ऑर्डर कैसे है। अब रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स, तो पहला कॉलम सेकंड रो, पहला कॉलम ठीक है, सेकंड रो और पहला कॉलम, यानी कि ए टू वन भर रहे हो। यहां पे देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ए वन वन भर रहे हो, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम ए वन टू भर रहे हो, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ए टू वन भर रहे हो, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम ए टू टू भर रहे हो। आशा करता हूं समझ आ गया होगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करके कहां पर चीज आती है। रो वाइज करोगे, पहली रो से सारे कॉलम्स को करोगे, फिर दूसरी रो से सारे कॉलम्स को करोगे, तीसरी रो होती तो तीसरी रो से सारे कॉलम्स को करते, ठीक है। आशा करता हूं समझ आ गया। इसके बाद एक और लूंगा एग्जांपल, सो और अच्छा क्लियर होगा। तो चलो, पहली रो को, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, जीरो इंटू टू प्लस जीरो इंटू वन, सेकंड का सेकंड के साथ, प्लस जीरो इंटू वन, ये हो गया भाई। नेक्स्ट, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, जीरो इंटू वन प्लस, अब ये वाला जीरो इंटू सेकेंड वाला वन प्लस थर्ड वाला जीरो इंटू थर्ड वाला वन, दिस। तो बेसिकली क्या हो गया, टू प्लस थ्री कितना हो गया, बेसिकली फोर थ्री सेवन, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया, सिक्स, दिस इज जीरो एंड दिस विल बी जीरो। सो दिस विल बी योर आंसर टू द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। बेसिकली क्या करना है, रोज इंटू कॉलम्स, आर सी, रोज इंटू कॉलम्स, पहली रो ली, पहले कॉलम से की। भैया पता कैसे लगेगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन हमें लिखना कहाँ है, भाई फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपको ए वन वन मिल गया, फर्स्ट रो ली सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा ए वन टू मिल गया, सेकेंड रो ली फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो ए टू वन मिल गया, अब सेकेंड रो ली सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो ए टू टू मिल गया। दिस इज हाउ यू विल सी कि कैसे हमको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। एक और मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूं, बाकी आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करें एंड रिवीजन करें, ठीक है। मेरा काम सिर्फ सिखाना था गाइस, ठीक है। एक और करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखोगे। अब अजीब सा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि रिवीजन है तो कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने तो बनते हैं ना। चलो जी, बल्कि ये लो तुम, ये लो जी, वन टू थ्री एंड बी इज जीरो वन टू, क्या ऑर्डर है इसका, थ्री क्रॉस वन एंड दिस इज वन क्रॉस थ्री, ठीक है। चलो, तो हमें निकालना है ए बी प्रोडक्ट, तो बेसिकली हो जाएगा वन टू थ्री एंड दिस इज जीरो वन टू। कैसे करोगे, तरीका वही है, रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करो। कितनी रोज हैं इसमें, दिस इज आर वन अकेला एलिमेंट, दिस इज आर टू दूसरा अकेला एलिमेंट और दिस इज आर थ्री। सिमिलरली दिस इज सी वन, दिस इज सी टू, दिस इज सी थ्री। सबसे पहले रो वन को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, कुछ इस तरह से सीन होगा, वन इंटू जीरो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये रो है, देखो रो वन को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको इसके साथ करेंगे बस, क्योंकि अगर रो में और एलिमेंट्स होते तो प्लस प्लस करके बाकी की एलिमेंट्स को भी कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड करते, लेकिन एक ही एलिमेंट है तो सिंपली क्या आएगा, वन इंटू जीरो। सिमिलरली फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, यानी कि वन इंटू वन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन। सिमिलरली फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड कॉलम के साथ वन इंटू टू ए वन टू, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट, अब आ गई आपकी सेकेंड रो, नीचे आई तो हम भी नीचे आ गए, टू इंटू जीरो, टू इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। सिमिलरली टू इंटू वन, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, यानी कि ए टू टू की वैल्यू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर। अब आ जाओ भाई थर्ड रो पर, हम भी आ गए नीचे, थ्री इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, दिस विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। अब बच्चे कहेंगे भैया आपको कैसे पता था पहले से कि ये थ्री क्रॉस थ्री आएगी, तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है फटाफट से देख लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप बस ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे बस तभी दिखा दूंगा, अब इसको कहाँ ध्यान रखोगे तुम लोग, ध्यान से देखो। मान लीजिए दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है ए बी, ठीक है, नॉट ऑलवेज डिफाइंड, जैसे एडिशन में कंडीशन थी ऑर्डर सेम होना चाहिए,
सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ कंडीशन है मैट्रिसेस की, कुछ स्पेसिफिक मैट्रिसेस ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है दुनिया की हर मैट्रिक्स आप आपस में मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्या कंडीशन है वो ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए जो ए मैट्रिक्स है उसका सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी है गाइज, ये आप याद रखेंगे कि जो ए बी होगा वो बी ए के इक्वल नहीं होगा इन जनरल। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कि आप नंबर्स में लिख देते थे 2 × 3 और 3 × 2 एक बात है, मैट्रिसेस में ये एक बात नहीं होती। मैट्रिसेस में ए बी बी ए के बराबर हमेशा हो ये हमेशा सच नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी, कभी कभी आ भी जाता है गलती से ए बी बी ए के बराबर, लेकिन इन जनरल आप मानकर नहीं चलोगे कि ए बी बी ए के बराबर है, ठीक है। मैट्रिसेस में ये चीज फॉलो नहीं होती, जैसे नंबर्स में होता है ना 2 × 3, 3 × 2 के बराबर दोनों छह ही तो होंगे, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो ए बी मैट्रिक्स आए वो कुछ और आए और जो बी ए मैट्रिक्स आए वो कुछ और आए, और ये दोनों सेम हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है ए बी बी ए के इक्वल हो, ठीक है। तो ये बात बतानी थी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, और कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई नहीं करती। आशा करता हूं आपको ये बात समझ आई है, ठीक है, कि कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई नहीं करती। दूसरी बात, कैसे पता लगता है कि मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइन होगा, और अगर डिफाइन होगा तो ऑर्डर क्या होगा आने वाली मैट्रिक्स का। ध्यान से देखो बेटा क्या होता है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, सिमिलरली कोई बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो, मल्टीप्लीकेशन ए बी डिफाइन हो, इसकी कंडीशन क्या है। ए बी की जो कंडीशन होगी वो बी ए की हो, ऐसा जरूरी नहीं, बी ए की खुद देखोगे भाई, बस ये ध्यान रखना। कंडीशन ये है, कंडीशन हिंदी में लिख देता हूं, पहले के कॉलम दूसरी के रो के बराबर हो, पहले के कॉलम दूसरी के रो के बराबर हो तभी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा, ठीक है। पहले के कॉलम यानी कि पहली मैट्रिक्स यहां पर ए मैट्रिक्स है, जो ये एन है ये पी के बराबर अगर होगा तभी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा, अदरवाइज आप इन दो मैट्रिसेस को ए बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है, जो पहले के कॉलम है वो दूसरे की रो के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो एन है ये पी के इक्वल होना चाहिए, दिस इज नेसेसरी। इसके बिना अगर ये नहीं है तो आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। और अगर ऐसा है तो जो ऑर्डर आएगा गिवन मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर आएगा ए बी मैट्रिक्स का, वो क्या आएगा, बचा हुआ, यानी कि m क्रॉस q, ये आएगा ऑर्डर, ठीक है। अगर n p के इक्वल है, यानी कि पहले के कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है, पहली कंडीशन, तो ये नेसेसरी है। अगर ये नहीं है तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर मल्टीप्लाई कर पा रहे हो यानी कि n p के इक्वल है, तो जो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा दिस क्रॉस दिस, यानी कि बचा हुआ पहला क्रॉस बचा हुआ दूसरा, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब ये तो हो गई ए बी की कंडीशन। अगर मान लीजिए 1% में बी ए जानना चाहता कि मल्टीप्लाई कब होगा, तो बी ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू और ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो इस बार पहले के कॉलम यानी कि जो क्यू है वो एम के इक्वल होना चाहिए तब बी ए डिफाइन होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, जो क्यू है वो m के इक्वल होना चाहिए तब BA डिफाइन होगा। AB का डिफाइन होना और BA का डिफाइन होना दोनों अलग अलग बात है। ये नंबर्स की तरह मत लेना कि 2 × 3, 3 × 2 के बराबर होता है, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के केस में जरूरी नहीं है कि P क्रॉस Q M क्रॉस N के बराबर हो, सॉरी मैट्रिसेस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो, ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन साफ सी है, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए। खुद बोलो, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन होना है तो जो पहली मैट्रिक्स है उसके कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर होने चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले के कॉलम दूसरे की रो, पहले के कॉलम दूसरे की रो, ध्यान रखना है, रट लो इसको, पहले कॉलम दूसरे की रो, पहले कॉलम दूसरे की रो। अगर आप ये याद रख लोगे तो गाइस आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, पहले कॉलम दूसरे की रो, पहले कॉलम दूसरे की रो, ठीक है। रैप बना लो और याद कर लो, ठीक है, पहले कॉलम दूसरे की रो, पहले कॉलम दूसरे की रो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। और वैसे भी यार दिख जाता है जब आप इस तरह से लिखते हो ना, तो जो अंदर वाले हैं वो बराबर होने चाहिए, और अगर वो बराबर हैं तो जो बाहर वाले होंगे वो आपको क्या देंगे, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर QM के बराबर होने चाहिए, और अगर QM के बराबर हो यानी कि अंदर वाले बराबर हो, तो जो ऑर्डर होगा BA का, BA का ऑर्डर पता है कितना होगा, BA का ऑर्डर होगा बाहर वाले, यानी कि P क्रॉस N,
पी क्रॉस एन। आई होप आपको मेरी ये वाली बात क्लियर हुई होगी। चलो इस पर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस पर वन मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सीबीएसई, इस बात को ध्यान रखना। पहले एक कॉलम दूसरे की रो के बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। पहले एक कॉलम दूसरे की रो, पहले कॉलम दूसरे की रो, पहले कॉलम दूसरे की रो, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है कोई 3x2 की और बी मैट्रिक्स है 2x2 की, तो बताओ पहले ए बी डिफाइन होगा क्या, ए बी डिफाइन होगा क्या। मैंने क्या बोला कि जब कभी दो मैट्रिक्स को डिफाइन होता होना होता है तो पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर हैं, जी हाँ हैं, इसका मतलब ए बी तो डिफाइन होने वाला है। पहले के कॉलम, रोज इनटू कॉलम्स होता है ना ऑर्डर, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर होने चाहिए, ऐसा है, इसका मतलब ए बी तो डिफाइन होगा। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑर्डर ऑफ ए बी बताइए, ऑर्डर ऑफ ए बी बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, बचा हुआ 3x2। अब इसको उल्टा मत कर देना, ऑब्वियसली पहले से ही शुरू करोगे ना, 2x3 क्यों लिखोगे तुम, शुरू से ही तो शुरू करोगे ना। मतलब ये तो यार हमेशा से हम इंसान पढ़ते ही आए हैं कि सीधा ए से ही शुरू होती है ना अल्फाबेट, जेड से तो नहीं होती ना, तो ऑब्वियसली पहले वाला पहले लोगे, तो 3x2 विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी। चलो यही बात अगर मैं उल्टा करूं, ठीक है, बी क्या है 2x2, ए क्या है 3x2, कभी भी ए बी लिख करना बी ए की कोशिश मत करना, इसी ऑर्डर में लिखना, हमेशा सही जाएगा। गलती हो जाती है मन में सोचते सोचते, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जब मेरे को बी ए निकालना है तो मैं बी ही पहले लिखूंगा। अब अगर मैं पूछूं कि क्या बी ए डिफाइन होगा, पहले के कॉलम 2 दूसरे की रो 3, ओ भाई ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब बी ए नॉट डिफाइंड, बी ए को आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अगर 1% ये दोनों बराबर होते तो BA का ऑर्डर क्या होता, 2x2, बट क्योंकि अब ये बराबर ही नहीं है, पहले कॉलम दूसरे की रो के बराबर ही नहीं है, तो ये डिफाइन ही नहीं हुआ, तो ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं बनती। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इस पर्टिकुलर बात पर कि कब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है और क्या आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। अगर समझ ना आया हो तो दोबारा देख लेना, लेकिन इसको छोड़ना मत, बात को, छोटी सी बात है लेकिन फंसा देगी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, छोटी सी बात है तो यार थोड़ा ज्यादा करा देता हूं, मुझे पता है तुम लोग यार आलसी हो थोड़े थोड़े और तुम लोग स्किप कर दोगे छोटी सी बात। एक एग्जांपल और देखो, मुझे नहीं पता, चलो ए मैट्रिक्स है कितनी 3x4, बी मैट्रिक्स है 4x5, फटाफट से बताओ ए बी डिफाइन होगा क्या, पहले के कॉलम 4 दूसरे की रो 4, हाँ जी ए बी डिफाइन होगा, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, ठीक है। अब बताओ बी ए डिफाइन होगा क्या, बी ए में बी पहले है तो पहले के कॉलम यानी कि 5 और दूसरे की रो यानी कि 3 बराबर नहीं है तो ये डिफाइन नहीं होगा, नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब बताओ ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल आ ही गए हैं तो बचा हुआ होता है ऑर्डर यानी कि 3x5, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। आशा करता हूं अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देता हूं इस बात पर, आप कह रहे होगे भैया ये फालतू चीज बार बार क्यों ले रहे हो, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार परेशान कर रहा हूं आपको, जिनको आता है वो इरिटेट हो रहे होंगे, इट्स ओके यार सीखने तो, जिसको नहीं आता बच्चा वो ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए प्लीज बियर करो मेरे साथ, ठीक है। ए मैट्रिक्स है 2x2 की, लास्ट है वैसे, ठीक है, और बी मैट्रिक्स भी 2x2 की है, अब बताओ क्या ए बी डिफाइन होगा, पहले के कॉलम ए के कॉलम और बी की रो बराबर हैं, जी हाँ ए बी डिफाइन होगा। क्या बी ए डिफाइन होगा, बी ए, बी ए के लिए मैं ए दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो पहला कौन सा है, बी, पहले के कॉलम 2 दूसरे की रो 1, सॉरी 2, मतलब कि बी ए कर रहे हो ना, तो बी ए में बी का, बी की नंबर ऑफ रो कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, पहले कॉलम दूसरे की रोज, पहले कॉलम दूसरे की रोज, ठीक है, तो पहले कॉलम 2 दूसरे की रोज 2, इसका मतलब बी ए भी डिफाइन होगा। अब अगर मैं पूछता हूं कि ए बी का ऑर्डर बताओ, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, बचा हुआ यानी कि 2x2, इसमें पहला 2 ये लिया है और फिर बाद वाला ये, ठीक है, ध्यान रखना पहले तो पहले वाला ही लोगे ना, ये तो मतलब सिमेट्री से पता लगता है हमेशा, ये याद रखने का तरीका। और बी ए में ऑर्डर क्या होगा, बी ए यानी कि ये वाले तो इक्वल है, इसका मतलब डिफाइन है अंदर वाले, और बाहर वाला होता है ऑर्डर, यानी कि 2x2 ही बी ए का ऑर्डर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा चुका हूँ कि ए बी और बी ए ऐसा जरूरी नहीं है दोनों हमेशा डिफाइन होंगे, उसमें दिखा चुका हूँ ऑर्डर वाइज, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सचमुच में कि जरूरी नहीं ए बी बी ए के बराबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और बी ले देता हूँ 0, 1, 2, 3, चलो ए बी निकालो,
ए बी निकालोगे तो 1 2 3 4 और बी क्या होगा 0 1 2 3, ये हो गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। अच्छा सबसे पहले आप मेरे को ये बता सकते हो क्या ए बी का ऑर्डर क्या होगा और क्या ए बी डिफाइन भी होगा? नहीं, ए का ऑर्डर 2x2, बी का ऑर्डर 2x2। अब मेरे को ये बताओ कि ए के कॉलम्स क्या बी के रोज के बराबर है? ए बी डिफाइन कर रहे हो ना, ए बी डिफाइन होने के लिए फर्स्ट के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट के कॉलम और दूसरे की रो दो दो हैं, हाँ भाई ए बी डिफाइन होगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी क्या होगा? बचा हुआ बाहर वाला 2x2, 2x2 होने वाला है। तो मेरे को ये पता लग गया कि भाई इसमें चार एलिमेंट होंगे और ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी। मैंने जब शुरू में दो क्वेश्चंस लिखे थे तो मैंने यही चीज़ देखकर लिखे थे, ठीक है। जिनको पता था वो अच्छी बात है, जिनको अब भी नहीं पता था रिवीजन टाइम में वो यार देख लो, पेपर में पूछा जाती है ये टाइप, बहुत पूछी जाती है कब डिफाइन होगा और क्या ऑर्डर होगा। आशा करता हूँ इतना स्ट्रेस देने के बाद तो आपको ये याद रह ही जाएगा कब डिफाइन होगा और कैसे आएगा ऑर्डर, ठीक है। तो ये पता लग गया 2x2 की मैट्रिक्स होगी। चलो भाई अब शुरू करो गेम। पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A11। जब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A12। तो A11 लिखना है तो शुरू करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। यानी कि जब आप 1 2 को 0 2 के साथ करेंगे, रो वन को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली आप इसको ऐसा समझो कि इसको इसके अंदर डाल दोगे आप, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो जो ये वाला 2 है ये इससे कोइंसाइड करेगा। इसको ऐसा समझो कि ये है ना, ये ऐसे जब होगा तो ये 2 इसके ऊपर आ गया और ये 1 0 के ऊपर आ गया, यानी कि 1 0 और 2 2 आपस में इनको कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × 0 प्लस 2 × 2, 1 × 0 0 प्लस 2 × 2 4। सिमिलरली आगे जब बढ़ोगे 1 × 1 प्लस 2 × 3, 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 = 6 और ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया काम। अब दूसरी रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो आपको क्या मिलेगा? A21। A21 क्या होगा? 3 × 0 प्लस 4 × 2। बेसिकली ऐसे समझो ना, इसको जब आप ऐसे करोगे तो 4 2 के ऊपर आ जाएगा और 3 0 के ऊपर। तो रोज इंटू कॉलम्स में इस तरह से आप चेक कर सकते हो अगर आप चाहो, और अगर आपको मेरा पैटर्न समझ आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने का तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली बात है, इसका पहला इसके पहले के साथ प्लस इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, अगर और होते तो आगे भी ऐसे ही करते, तो जाएगा 3 × 0 प्लस 4 × 2 = 8। दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ जब करोगे तो क्या मिलेगा? 8 2 2, 3 × 3 प्लस 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15। दिस विल बी योर आंसर टू ए बी। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई कि ए बी कैसे निकलेगा। अब अगर मैं बी ए की बात कर लूँ गाइस, बी ए की अगर मैं बात करूँ तो बी ए भी देख लेते हैं। बी ए क्या आएगा? बी ए होगा 0 1 2 3 और साथ में होगा ए क्या है? 1 2 3 4। तो जब बी ए होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 11, ये 4 4 12 16, ये होगा बी। देख लो कोई गलती करी होगी तो बता देना कमेंट में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, शायद गलत है। परफेक्ट, आई फील इट्स फाइन। बाकी तुम बता देना, तुम लोग बता ही देते हो मेरे को इंस्टा वगैरह पर, भैया आपने ये कर दिया वो कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तुम संभालो, मेरी बात जो सिखाने की है। यहाँ पर देखो ए बी जो आ रहा है, अच्छा बी ए का यार 2x2 ही क्यों आया? देख लो बी ए डिफाइन हो रहा है, बी का ऑर्डर 2x2, ए का ऑर्डर 2x2, पहले कॉलम दो दूसरे की रो दो, मतलब कि डिफाइन तो हो रहा है। ऑर्डर क्या होगा? बचा हुआ, ये भी 2x2 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सब कुछ आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी जो आया वो अलग मैट्रिक्स है, बी ए जो आया वो अलग मैट्रिक्स है। यानी कि ज़रूरी नहीं होता है कि जो ए बी हो वो बी ए के बराबर हो हमेशा, ऐसा कभी भी नेसेसरी नहीं होता है कि ए बी बी ए के बराबर हो। ये बच्चा आप ध्यान रखोगे बात अब, कि ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखनी है यार मल्टीप्लीकेशन की। पहली प्रॉपर्टी मैं बहुत गा गा के बता चुका हूँ कि ए बी बी ए के बराबर हो इन जनरल ट्रू नहीं होता। कभी कभी आ भी जाता है तो बिल्कुल अचंभे मत करना कि भैया ने कहा था ए बी बी ए के बराबर कभी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ए बी बी ए के बराबर कभी नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ए बी बी ए के बराबर बहुत कम पाया जाता है। और इन जनरल आप ए बी को बी ए से मत बदल देना, क्योंकि ये दो चीज़ें अलग बात है। कभी कभी आ भी जाता है बराबर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब भाई कभी कभी तो बारिश भी आ जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे दिन बारिश होती रहती है हमेशा पूरे साल, ठीक है ना। तो इस तरह से समझो, ठीक है। ए बी बी के बराबर ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सीख गए हो ना कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है, कब होता है, और अगर होता है तो ऑर्डर क्या होता है आने वाली मैट्रिक्स का, ये मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि अगर ए बी को मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर जो आने वाली मैट्रिक्स है
उसको मैं पहले रख के उसे सी से मल्टीप्लाई करूं, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बी सी को तो मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, वो अलग मैट्रिक्स है, और ए को पहले रख के उस मैट्रिक्स को बाद में रख के उसको मल्टीप्लाई करूं, तो भाई आंसर सेम आता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। ए बी सी तीन मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, आपने ए बी को मल्टीप्लाई करा, कोई मैट्रिक्स आई, वो मैट्रिक्स का नाम रख दिया मैंने जेड, अब आपने जेड सी निकाला तो कोई आंसर आया, ठीक है, फिर आपने ए बी सी लिया, अब आपने बी सी को पहले मल्टीप्लाई करा, बी सी को जब आपने मल्टीप्लाई करा तो कोई मैट्रिक्स आई वाई, अब आपने क्या करा, ए इंटू वाई करा, ठीक है, जरूरी है ए वाई और वाई ए एक बात नहीं है, मैं इस पर स्ट्रेस दे चुका हूं, ठीक है, तो इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे, तो ए वाई निकालो या जेड सी निकालो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। थर्ड लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स किसी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो बेसिकली वही कॉरस्पॉन्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, यानी कि ए बी ए टाइम्स बी प्लस सी क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब कुछ बच्चों को यार आदत होती है, मान लीजिए आपको दिया हुआ हो ए टाइम्स बी प्लस सी ये नंबर्स हैं, तो वो उनको बी ए प्लस ए सी भी लिख देते हैं, वो उनको ए बी प्लस ए सी भी लिख देते हैं, वो उनको कुछ भी लिख देते हैं, वो ए बी प्लस सी ए भी लिख देते हैं, ठीक है, नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैट्रिसेस में आपको ध्यान रखना है, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग द राइट ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ एवरी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऑर्डर में ही मैट्रिक्स लेनी है, जैसे अगर ए पहले है ना, ए बी से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए पहले ही रहेगा, आप इसको ए बी का बी ए नहीं कर सकते, समझ रहे हो, ए बी बी ए अलग बात है, ए पहले है ना तो प्लस के बाद ए सी में ए पहले ही रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहां पर ये सही है लेकिन ये गलत है, इसलिए नॉट इक्वल्स टू है। नेक्स्ट देखो, ए बी प्लस ए सी, ए टाइम्स बी प्लस सी को ए बी प्लस सी ए लिख दिया, भाई ए पहले था तो ए बी तो ठीक लिखा था, प्लस ए टाइम्स ए प्लस ए सी में ए पहले आएगा, यहां पर सी ए लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, इसकी वजह से ये नॉट इक्वल्स टू है, जो करेक्ट है वो ये है, समझ रहे हो आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको इस तरह से भी दिया होता b प्लस सी टाइम्स ए, तो ये पता किसके इक्वल होता, आई एम सॉरी, बस अब जल्दी वीडियो खत्म करेंगे, गला खराब हो गया, तो ये पता किसके इक्वल होता, ये होता बी ए प्लस सी ए, आप इसको ए बी प्लस ए सी नहीं लिख सकते, आप इसको ए बी प्लस सी ए नहीं लिख सकते, ठीक है, आप इसको ए सी प्लस बी ए नहीं लिख सकते, आपको यही लिखना पड़ेगा। अच्छा, क्या इसको मैं सी ए प्लस बी ए लिख सकता हूं, हाँ भाई ये तो तू लिख ही सकता है, एडिशन में सिखाया था, एडिशन में सिखाया था कि एडिशन में ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है, तो ये तो कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बाद में रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए, कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, चाहे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो चाहे पहले गिवन मैट्रिक्स लो, आंसर हमेशा गिवन मैट्रिक्स आएगा। आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब जैसे नंबर्स में होता है ना, किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो वही नंबर आता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ वन का ही काम करती है मैट्रिसेस में, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर वही मैट्रिक्स आएगा जिससे शुरू करा था, प्रोवाइडेड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने ली है और जो गिवन मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो। अब ऐसा नहीं कि ए ले लिया आपने 2x2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 3x3 की, तो ए आई तो डिफाइन नहीं होगा ना, पहले के कॉलम दो और दूसरे की रो एक, सॉरी पहले कॉलम दो और दूसरे की रो तीन, तो भाई ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, इक्वल ही नहीं है, तो यहां पर ए आई डिफाइन है, जहां कहीं भी डिफाइंड हो वहां पर ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए के बराबर होता है। आई होप आपको मेरी ये वाली बात भी क्लियर हुई है। फटाफट से आगे देखते हैं लास्ट चीज, नेक्स्ट चीज गाइस, हम लोगों को एक शॉर्टकट देखना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का। मान लीजिए आपके पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए दोनों डायगोनल मैट्रिक्स, और आपके पास दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करना है तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कन्वेंशनल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्वेंशनल मेथड इन पर काम नहीं करता, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओ वही रो इनटू कॉलम करके मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को सॉल्व करने का शॉर्टकट होता है, वो क्या होता है, बस उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और बाकी सब एज इट इज रहने दो। यानी कि ए बी सी डायगोनल मैट्रिक्स थी और एक्स वाई जेड थी, बाकी सब 0-0 था, तो जब आपने ए बी निकाला या बी ए निकाला, सबसे पहली बात डायगोनल मैट्रिक्स में कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होती है, ठीक है,
मतलब इन जनरल नहीं होती, लेकिन डाइनल डाइनल के केस में ये सत्य होता है कि ए बी बी ए के बराबर होता है, और वो बेसिकली क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स प्लस बी वाई और सी जेड, प्लस प्लस नहीं, बस जहां पर ए और एक्स था वहां पर ए एक्स, जहां पर बी और वाई था वहां बी वाई, जहां सी और जेड था वहां सी जेड, बाकी सब जीरो। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो सिखाया है वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक है, ये शॉर्टकट है, अगर फटाफट से चेक करना हो तो आप कर सकते हो। लेट्स मूव टू द लास्ट 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 चीज। तो जो सबसे लास्ट चीज हम लोगों को रिवाइज करनी है गाइस, मल्टीप्लीकेशन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है कि अगर ए बी जीरो के बराबर, इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि नंबर्स एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो है, तो इससे आप क्या कंक्लूजन लेते थे अपनी दुनिया में कि या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए ए बी इक्वल्स टू जीरो, तो आप क्या लिखते थे, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। अगर आपको दे दिया जाए जी एच जीरो के बराबर है, तो या तो जी जीरो होगा या एच जीरो होगा। मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैट्रिसेस में दिस इज पॉसिबल दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स, बट द मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी जीरो मैट्रिसेस। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स के बराबर है तो या तो ए मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा या बी मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये जस्ट एक फैक्ट है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इसको ऑब्वियस ना मान लो, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। जैसे कि एग्जांपल आप क्लियरली देख सकते हो, ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स गिवन है, दोनों ही आप चेक कर सकते हो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन जब आप ए बी प्रोडक्ट निकालते हो तो वो क्या आता है, आपका जीरो मैट्रिक्स आता है। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि ए बी का प्रोडक्ट तो जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है। तो मैट्रिसेस में ये जो नंबर्स वाला रूल होता है ये फॉलो नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो वो मैट्रिसेस भी जीरो होंगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। मल्टीप्लीकेशन पर यार बहुत सारे ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को नहीं लेते। नेक्स्ट वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड होगी आपके बहुत बड़े बड़े सीबीएसई के क्वेश्चंस पर और वर्ड प्रॉब्लम्स पर, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ले लिया वीडियो को, क्योंकि मेरे को लगता है यार कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब तक नई वीडियो आ रही है तब तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से जितने मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं वो खत्म कर दो। मल्टीप्लीकेशन में बिल्कुल पक्के हो जाओ, तभी उसकी एप्लीकेशन कर पाओगे, तभी वर्ड प्रॉब्लम्स कर पाओगे, तभी आगे की चीजें पढ़ पाओगे। मल्टीप्लीकेशन पर खूब सारी मेहनत कर लो जब तक अगली वीडियो आती है, ठीक है गाइस। और इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना प्यार बनाए रखें यार चैनल के साथ और सपोर्ट करते रहें। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ऑन रिवीजन सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।